नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल कार फॉर हिंदी में। मैं आपका दोस्त गितेश लेकर आया हूँ आपके लिए नई वीडियो। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो आपकी कार के टायर के बारे में है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता चल गया है कि जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो इस गर्मियों के मौसम में हमारे टायर की जो लाइफ है वो अच्छी रहनी चाहिए और कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपके इसी के बारे में दो तीन पॉइंट्स बताऊंगा जो आप अपने टायर्स में कर सकते हैं, जिससे कि आपके टायर फटेंगे नहीं और ना ही कोई ब्लास्ट होगा और ना ही कोई दुर्घटना होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी जब गाड़ी को आपका जो ऑल्टो K10 जो मेरे पास अभी कार है, इसका जो भरवाने का जो आपको एयर भरवाने का जो PSI है वो आपका 35 PSI होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम हाईवे पर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा स्पीड के कारण क्या होता है कि हाईवे पर और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसका PSI बढ़ जाता है, 50 से 55 तक पहुंच जाता है, जिससे कि आपका टायर ब्लास्ट रहने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी के अंदर जो एयर भरी जाती है उसके अंदर आप नॉर्मल एयर की जगह आप नाइट्रोजन गैस भरवाएं, जिससे कि आपके जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ठंडी रहती है और आपके जो कार के टायर हैं वो ठंडे रहेंगे गर्मियों के मौसम में और ब्लास्ट रहने का बहुत ही कम चांस हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जो अगर आपका दोस्तों आपका अगर जो टायर है वो अगर ज़्यादा घिस चुका है तो आप अपने टायर को भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये घिसे हुए टायरों में ये ब्लास्ट होने के प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा घिसने की वजह से आपका टायर ब्लास्ट हो सकता है गर्मियों के अंदर। तो दोस्तों, ये थे कुछ दो तीन पॉइंट जिसकी वजह से आप कुछ दुर्घटना होने से अपने गाड़ी में बचा सकते हैं अपने आप को। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।